फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो अब हो गया समय दोपहर का और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और खाना बनाने के बाद आज मैं अपने वो बैंडिंग काम करूँगी जो मैं कई दिन से सोच रही हूँ मगर हो नहीं पा रहे हैं। सिवान बीच में परेशान कर देता है तो काम मेरा नहीं हो पाता है, रुक जाता है। भाई किचन में और यहाँ बन रही है, यहाँ पर तड़का तैयार हो रहा है और यहाँ बन रही है दाल मखनी। और दाल मखनी मैंने बहुत ही कम क्वान्टिटी में बनाई है क्योंकि आज खाने वाले सिर्फ दो तीन बंदे ही हैं। और इधर बन गए हैं मेरे चावल क्योंकि खाना खाने के लिए मम्मी जी पापा जी ने मना कर दिया है, तो बच्चे और मैं बस सब ही हैं खाना खाने के लिए, तो नहीं खाएगा। और देखिए और जो दही रखी है ये तड़का हो गया तैयार, ये दही में इसी में डाल दूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ देखे दोस्तों हैं टप्पू मेरी चूड़ियों के साथ में। क्या कर रही भाई चूड़ियों के साथ में है? नहीं चूड़ियाँ तो बहुत सारी है, वो तो मुझे दिख रहा था। क्या खुराफात चल रही तुम्हारे दिमाग में? तुम इन सारियों को बिस्मा मत देना, ठीक है? कर क्या रहे हो आप इसका? नहीं वो तो मैंने देख ली, आप इन चूड़ियों का कर क्या रहे हो? क्या बाजार लगा के बैठे हो? क्या चूड़ियाँ बेच रहे हैं? दिखाओ, ये सारी मेरी चूड़ियाँ हैं, ठीक है? और ये मेरी बहुत पुरानी चूड़ियाँ हैं दोस्तों, शादी से पहले की। शादी से पहले की नहीं, शादी के बाद ये जो है ना मैंने सारी इकट्ठी करी थी, इकट्ठी करके निकाली थी, थोड़ी थोड़ी है बच बच के काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई। तो उसमें से कुछ सही हैं कुछ सही नहीं है, जिनके कलर वलर फेड हो गए हैं। ये देखो ये इनके साथ बैठी हुई खेल रही है, ये खेलने की चीज़ नहीं है बेटा, कर बिसम की तो हाँ देख लूँगी ना, जो यूज़ वाली हैं वो अपना पहन लेंगे, नहीं तो बाकी को देखते हैं क्या होएगा। हाँ ये शेड वाली है ना, काफ़ी सुंदर चूड़ी है। मैं आ गई हूँ बाथरूम में, तो आज मैं करूँगी अपने बाथरूम की सफाई। तो ये टाइल है ना, ये टाइल्स पे थोड़ा जो है साबुन का वो चिपक जाता है ना जब सफाई करते हैं बाथरूम में, कपड़े धुलते हैं तो सब टाइल्स पे चिपक जाती है साबुन साबुन। तो आज करेंगे हम इस बाथरूम की सफाई। तो फ्रेंड यहाँ मैं लेके आ गई हूँ हार्पिक, तो मैं इस दीवारों पे डाल दूँगी हार्पिक को अच्छी तरह, और ये फिर बाद में इसमें स्क्रब लगा के छोड़ देंगे। फिर जब ये दीवारें फूल जाएंगी, मैल ये फूल जाएगा, तो बाद में मैं इस पर स्क्रब मार दूँगी, फटाफट से साफ हो जाएगी इधर सारी की सारी। इधर हमारे बाबू जी उल्टे पुलटे काम करके रखते हैं। ये देखिए ये है मेरे पास लोहे का स्क्रब, बाबू अंदर नहीं आओ। तो ये मैं इसको ऐसे करके सारे पे फैला दूंगी सब टाइल्स पे, जब मैं इसको फैला दूंगी ना तो सारा फूल जाएगा मैल। वो खुद लगाना इधर जाओ आप, इधर पीछे पीछे सिवांश भी आ गया मेरे, पेंटिंग में बाहर चले जाओ, टूं टूं मत करो यहाँ पे, नहीं पानी मत फेंको, चलो बाहर निकलो यहाँ से। इधर ये शरारत मचाना शुरू कर दी इसने, देख लो पानी पानी देखा। बाबू दीदी कहाँ गई? दीदी को बुला के लाओ, पप्पू को बुला के लाओ, पप्पू ये देखिए फ्रेंड ये सारे पे मैंने अच्छे से हाथ से स्क्रब कर दिया, ये यहाँ फूल जाएगा मैल, और जब फूल जाएगा तो बहुत अच्छे से निकलेगा। मैं अक्सर अपने बाथरूम की सफाई ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए सारे बाहर भी कार्पिक लगाया है। कहाँ जाओगे पुरुम पुरुम पर कहाँ जाओगे? इसे देखो मेरे शरारती बच्चे को, ये जाएगा बूम 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 पे। कहाँ जाओगे बाबू? बूम बूम पे किसके साथ जाओगे? क्या चिपक गया? वही कुछ लग गया बाहर में, ओ कुछ लग गया बाबू के। किसके साथ जाओगे आप? किसके साथ किसके साथ जाओगे? शरारती शरारती बच्चे। अपने फ्रिज को चेक करने, तो जो हमारा फ्रिज है वो भी थोड़ा गंदा हो रखा है। ये देखिए यहाँ पर बोतल के नीचे है थोड़ा कुछ चीज़ें गिरी हुई, दाग थोड़े थोड़े दाग,
तो ये फ्रिज की भी कर लेंगे हम थोड़ी सी सफाई, ज़्यादा गंदा तो ये नहीं है लेकिन ये है कि हाँ सफाई मांग रहा है तो इसकी सफाई भी करनी ज़रूरी है। हथियार लेकर यह हमारा हथियार सफाई करने का, तो यहाँ मैंने हाथ भी डाल के छोड़ दिया था, अब इसकी करेंगे सफाई। ऐसे तो ये बिल्कुल साफ हो गया, मैल ज्यादा नहीं है, टाइल्स में बिल्कुल टपाटक हो गई, टाइल्स सारा मैल धुल गया हाथ भी डाल देने से। और इधर दोस्तों सिवांश पहुंच गया घूमने के लिए, उसका हो गया घूमने का टाइम। तो यहाँ हमारी एकदम टाइल बढ़िया हो गई, फूल गया एकदम बढ़िया। टाइल्स पे भी मैंने हार्पिक डाल दिया है, तो स्क्रब लगा दूंगी मैं इस पे ताकि ये नीचे फर्श पे ना जाए, नहीं तो फर्श खराब कर देगा। तो हार्पिक से बहुत अच्छी सफाई होती है और ज़्यादा घिसने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कम घिसाई में ही बहुत ही अच्छे से। देखो इधर की टाइल्स कितनी साफ हो गई, एकदम चमक उठी। देखिए इधर का भी हो गया साफ, बस ये अभी दो साइड की रह गई है और ये सामने का ये रह गया है स्लेब, इसको साफ कर दूंगी मैं। अभी मेरा बाथरूम एकदम क्लियर हो गया है, बिल्कुल क्लीन हमारा बाथरूम। तो यहाँ की भी मैंने स्क्रब से सफाई कर ली है और ये भी जो प्लेटफॉर्म था छोटा सा सब स्लेब डाला हुआ था तो ये भी मैंने साफ कर लिया है। लेकिन मेरी हालत जरूर खस्ता हुई है, पसीना हो चुकी हूँ मैं सफाई करते करते। देखिए मेरे फेस पे खुद पे कितना पसीना हो गया है, मेरा फेस बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और पूरा पानी हो गई हूँ मैं पसीने में। अब भैया रात, और आज मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करना भूल गई थी, तो अब मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरे ब्लॉग को आप लोग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ना ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।